कमलनाथ सरकार से नाराज विधायकों की हॉस्टेरिंग के मामले के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इस घटना के लिए बीजेपी के 5 नेताओं शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, संजय पाठक, विश्वास सारंग और भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। इधर कांग्रेस के मंत्री उमंग सिंघार ने इस सब घटनाक्रम के लिए इशारे इशारे में दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में उभरे सियासी संकट के बीच कमलनाथ सरकार द्वारा नाराज विधायकों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। बुधवार को 4 विधायक दिल्ली से भोपाल लौट आए, लेकिन 3 विधायक कांग्रेस के संपर्क में नहीं हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन कांग्रेस सरकार की हालत खस्ता है। जो 3 विधायक गायब है उनके नाम विसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डांग और रघुराज सिंह कसाना है। बताया जा रहा है कि जानबूझकर ये लोग कांग्रेस नेताओं से संपर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज भी इनके साथ ऐसा व्यवहार करते रहे हैं। 4 विधायकों के वापस लौटने से कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये सियासी संकट अभी टला नहीं है। उधर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप के तीर भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने 5 भाजपा नेताओं के नाम ट्वीट कर विपक्षी विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त खुलकर सामने आ गई है, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। सभी विधायकों को आभार। उन्होंने इस घटना के लिए शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, संजय पाठक, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह जिम्मेदार ठहराए हैं। इसके साथ ही लिखा है कि मोदी और शाह जी, काला धन आपकी पार्टी में ही है, विदेशों में कहां ढूंढते हो। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार को कार्रवाई करने का चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि हम पर कार्रवाई होगी तो जो गलत कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस की यह कपोल कल्पना है कि हम सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा से जब भाजपा विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब इसी तरह हम कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की बात कहते हैं तो उन्हें डर क्यों लगता है। मिश्रा ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार से 15 से 20 विधायक नाराज चल रहे हैं, वे हमारे संपर्क में हैं। 30 साल से सदन में हूँ, स्वाभाविक रूप से इष्टमित रहे, हमारे संपर्क में रहते हैं, समस्याएं बताते हैं, सरकार काम नहीं कर रही, नौजवान का, किसान का, महिलाओं का बताते हैं। मेरे पे कार्रवाई करने की वो 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, और कर दे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो पहले भी कहा था कि बैंड बाजे के संग जाऊंगा, अभी भी कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जनता जानती है और सरकारें और भी हैं, कार्रवाइयां अगर हम पे होंगी तो औरों पे भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में हुए घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार के संकट मोचक यानी हीरो बनकर उभरे, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। मसलन हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल विसाहूलाल सिंह और एंदल सिंह कंचाना दिग्विजय के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट कहीं दिग्विजय ने तो नहीं लिखी थी। इस अफवाह को कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट से भी बल मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब राज्यसभा में जाने की लड़ाई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।